गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर नेक्स्ट चैप्टर इन ईवीएस, दैट चैप्टर 19, अ शीट टेल्स फार्मर स्टोरी। सो बेसिकली स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट शीट्स एंड फार्मर स्टोरी। एक फार्मर की क्या स्टोरी होती है, वो अपने शीट्स को कैसे ग्रोन करते हैं, कैसे उनके लिए उनका फील्ड, उनकी क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट सी, I am a small bajra sheet. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. अब यहाँ पे एक बाजरा शीट कह रहा है कि मैं एक छोटा सा बाजरे का शीट हूँ, ओके, और मैं इस वुडन बॉक्स में लगभग 1940 से रह रहा हूँ, ओके, इस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स में। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द वुडन बॉक्स। ये एक वुडन बॉक्स है और ये बाजरा का शीट जो है कह रहा है कि मैं इस वुडन बॉक्स में सिंस 1940 से रह रहा हूँ। I want to tell my story. मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। This is a long story, but not mine alone. ये बहुत long story है, but ये मेरी अकेले की स्टोरी नहीं है। It is also the story of my farmer, दामजी भाई and his family. ये स्टोरी है मेरे फार्मर की, मेरे किसान की, दामजी भाई और उनकी फैमिली की। If I do not tell my story now, I might to be late. अगर मैं अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा तो मैं श्योर लेट हो जाऊंगा। मुझे अपनी स्टोरी कहनी है, तो एक बाजरा का शीट है जो अपनी स्टोरी बताता है। आई वॉज बॉर्न इन वानगाम इन गुजरात। मेरा जन्म हुआ था वानगाम के गुजरात के। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप। उस साल बहुत अच्छी बाजरा की क्रॉप हमारे वहां हुई थी। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज। और पूरे विलेज में बहुत अच्छा फेस्टिव मूड था सबका। अवर एरिया वॉज फेमस फॉर दिस ग्रेन एंड वेजिटेबल। और हमारा जो एरिया था वो वेजिटेबल्स की वजह से, ग्रेन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस भी था। लोग वहां आते थे बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी उगती थी। ईच ईयर्स दामजी भाई केप असाइड सम शीट्स फ्रॉम द गुड क्रॉप। हर साल दामजी भाई क्या करते थे, जो भी अच्छी फसलें हुई हैं उनमें से कुछ शीट्स, उनकी कुछ शीट्स निकाल के अलग रख देते थे। दिस वे अवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर। और इसी वजह से हमारी जो बाजरा की फैमिली है, हमारी जो बाजरा फैमिली है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उस बॉक्स में, उस वुडन बॉक्स में कैप करके रखे जाते हैं। गुड शीट्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गाउट लॉकी विच वॉज कोटेड विथ मड। और इसके बाद बहुत अच्छी सी लौकी की जो शीट्स होते हैं सुखाए हुए, ओके, जिसको हम कहते हैं लौकी को गर्ड, तो गर्ड की जो शीट्स हैं उनको मड से कोट करके रखा गया है। बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। लेकिन इस साल जो दामजी भाई है उन्होंने बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर सा एक वुडन बॉक्स बनाया है हमें वहां पे कैप करने के लिए, हमें वहां रखने के लिए। सो यू कैन सी द बॉक्स हियर। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। उन्होंने उसमें नीम की लीव्स भी रखी हैं ताकि हमें जो है कीड़े से बचाया जा सके, ठीक है। शीट्स में, ग्रेन्स में, अनाजों में आपने देखा होगा कि इंसेक्ट लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो इसी वजह से लोग उसमें कुछ दवाइयां डालते हैं ताकि कभी कीड़े ना लगे। नीम लीव्स डालते हैं ताकि नीम की लीव्स की वजह से उसमें कीड़े ना लगे, इंसेक्ट ना लगे। ही पुट डिफरेंट शीट इन अ डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स। वो डिफरेंट डिफरेंट उस बॉक्स के अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हैं उन्होंने, जिसमें एक किसी में अलग शीट, किसी में अलग शीट, ओके, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स वो कैप करते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट में उस बॉक्स के। दैट वॉज अवर ब्यूटिफुल होम। ये हमारा बहुत सुंदर सा घर है। इन दोस डेज दामजी भाई एंड हिज कजिन लिव टुगेदर। इन दिनों दामजी भाई और उनके कजिन साथ में ही रहते थे। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, एवरीवन इन द विलेज हेल्प टू ईच अदर। ये बहुत, उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, सभी जो है विलेज में एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। इवन इन फार्मिंग, इवन फार्मिंग में भी जो है सभी एक दूसरे की हेल्प करते थे। वेन द क्रॉप वॉज रेडी टू हार्वेस्टेड एवरीवन सेलिब्रेट टूगेदर ओ दोज वंडरफुल डेज विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट। अब वो कहता है कि उन दिनों बहुत अच्छा, जब सारी फसलें तैयार हो जाती थी, उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता था, उसके बाद पूरे गांव में जो है सेलिब्रेशन होता था, सब साथ में सेलिब्रेट करते थे, इतने अच्छे दिन होते थे, बहुत सारा जो है फीस्ट बनता था, बहुत सारा होता था खाने के लिए। इन द विंटर्स इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द उंधिया, अ काइंड ऑफ स्वीट।
अब विंटर्स के टाइम पे उंधिया बनाया जाता था। ये वेजिटेबल्स को, सारे ही बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाया जाने वाला एक डिश है जो गुजरात में सबसे ज्यादा फेमस है। ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इन टू अ क्ले पॉट, सारे ही वेजिटेबल्स को एक क्ले पॉट में डाल दिया जाता है अलॉन्ग विथ फ्रेश स्पाइसेस, बहुत सारे फ्रेश स्पाइसेस के साथ, बहुत मसालों के साथ उसको सारी ही वेजिटेबल्स को एक पॉट में डाल दिया जाता है। द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट स्कोल, और जो कैप जो पॉट है उसको अच्छे से सील कर दिया जाता है और हॉट कोल के ऊपर रख दिया जाता है, कोयले के ऊपर रख दिया जाता है, धीरे धीरे उसमें वो बनता है। द वेजिटेबल्स कुक स्लोली इन द स्पाइसेस कुकर, स्पाइसल कुकर, और जो वेजिटेबल्स हैं वो धीरे धीरे उसमें कुक होती हैं और सारी स्पाइसेस उसको स्पेशल कुकर, उसको एक स्पेशल कुकर की तरह कहा गया है क्योंकि उसको ऊपर से पूरा अच्छे से सील कर दिया जाता है और नीचे से कोयले के ऊपर, हॉट कोयले के ऊपर उसमें पकाया जाता है। ऑन द फील्ड, ओ आई फॉरगॉट, अरे मैं भूल गया, द पुट वॉज प्लेस अपसाइड एंड डाउन, उसके बाद उसको ऊपर नीचे दोनों साइड से जो उसको बनाया जाता है, सो हर साइड से पलट के उस पॉट को, उस डिश को बनाया जाता है। दैट इज वाई द डिश वॉज कॉल्ड उंधिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती, और इसी वजह से गुजराती में उस डिश को उंधिया कहा जाता है या अपसाइड डाउन ये भी कहा जाता है। उंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी फ्रेशली कुक्ड ऑन चूल्हा, जो उंधिया है वो बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है जो फ्रेश चूल्हे में बनाया जाता है। ओ व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर, कितना ज्यादा बिल्कुल डिलीशियस फ्लेवर है, ओके बहुत टेस्टी होता है, चारों तरफ से उसको पका के अच्छे से स्लोली स्लोली उसमें कुक्ड होता है, सारे ही स्पाइसेस उसमें मिक्स होते हैं, ओके अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व, और उसको जो है होम मेड बटर और कर्ड के साथ उसे सर्व किया जाता है बटर मिल्क के साथ। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो फार्मर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को लगाते हैं, ग्रेन्स को लगाते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स को लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग वेजिटेबल्स ग्रेन्स अपने फील्ड में लगाते हैं। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड शोल्ड द रिस्क टू द शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी, इसके बाद और जो फार्मर्स हैं जितना उनको चाहिए वो अपने लिए एक इनफ मात्रा में उस ग्रेन्स को, उन वेजिटेबल्स को ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है या जो जिनसे उनको अपना घर चलाना है तो वो सिटी में जाके शॉपकीपर्स को भेज देते हैं। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन, कुछ फार्मर्स कॉटन की भी खेती करते हैं। एट होम फैमिली मेंबर्स स्पिन कॉटन ऑन द चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लोथ्स, और उस कॉटन को लोग यूज करते हैं, चरखे में डालते हैं, एक स्पिनिंग व्हील होती है क्लोथ्स बनाने के लिए। जैसे आपने देखा है कि पहले जो गांधी जी थे, जो महात्मा गांधी जी थे, वो भी क्या करते थे, कॉटन से ही जो है कॉटन के क्लोथ्स बनाते थे, ठीक है, उस व्हील में, उस स्पिनिंग व्हील में लगा के कॉटन के धागे बनाते थे और उन धागों से क्लोथ्स रेडी किया जाता था। नाउ टेल, आर रोटीज मेड इन योर होम फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड, सो जो रोटी आपके घर में बनती है वो किससे बनती है, सो यू कैन थिंक कि वो जो रोटी बनती है आपके घर में वो किससे बनती है, गेहूं से बनती है। हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा एंड ज्वार, डिड यू लाइक दीज, क्या आपने कभी ज्वार बाजरा इनकी रोटियां खाई है, कैसी होती है वो खाने में। नाउ वेट, नाउ फाइंड आउट एंड राइट इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेस्ट, आपके भी घरों में कुछ करते होंगे ना, कुछ ग्रेन्स को या पल्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डालते होंगे उसमें, सो थिंक अबाउट व्हाट इज दैट थिंग, क्या होती है वो चीजें। सो लोग जो है कुछ केमिकल के इंजेक्शन आते हैं उनको डालते हैं उसमें, ओके कुछ दवाइयां आती हैं उसको डालते हैं, और समटाइम्स जो लोग होते हैं वो लोग नीम लीव्स भी उसमें डालते हैं ताकि ग्रेन्स और पल्सेस में कीड़े ना लगे। मेनी टाइम वो लोग क्या करते हैं, धूप में भी रखते हैं ओके ग्रेन्स को। Which are the different festivals related to farming celebrated in different seasons? Find out more about any one such festival and write in your notebook. Name of the festival in which seasons it is celebrated in which state of India. What special food are made? Is it celebrated only at home with the family or together with many people? Talk to elders in your family and find out if there were some special food cooked earlier that are not cooked any more. So students, these are the questions you have to find out from your elders. आपके घर में जो elders हों, जो बड़े हों, okay, जो farming करते हों,
आप उनसे ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो सर्च आउट दीज आंसर्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. व्हेन टाइम्स चेंज, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हेन टाइम्स चेंज. अब धीरे धीरे कैसे टाइम चेंज हुआ देखिए. ओवर द ईयर्स मेनी चेंज टुक प्लेस इन द विलेज. जैसे जैसे साल बीते अलग अलग चेंजेस आए उस विलेज में. सम प्लेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल, कुछ प्लेस में वाटर मिल जाता था कैनल से. दे सेट टू कैनल, दे सेट द कैनल ब्रॉट वाटर फ्रॉम द फार अवे. अब वो लोग उन लोगों को जो है कैनल में भर के वाटर लाना पड़ता था बहुत दूर से. वेयर द डैम हैड बीन बिल्ड ऑन द बिग रिवर, और जो बिग रिवर थी उसके ऊपर डैम बन गए थे. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी केम, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी क्योंकि रिवर बना था तो डैम बना था, तो डैम की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आई. ओके, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट. स्विच ऑन करते ही, बटन को ऑन करते ही वहां पे लाइट आ गई थी. तो इस टाइप के चेंजेस उस विलेज में होने लगे थे, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होने लगे थे. कैनल आ गए थे. ओके, और इसके बाद डैम बने, डैम की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी आई उनके विलेज में. पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप्स. अब वहां पे लोग जो है सिर्फ एक या दो ही क्रॉप्स को ज्यादा लगाते थे. लाइक वीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट, क्योंकि वीट और कॉटन को ही लोग ज्यादा लेते थे मार्केट में, उनके अच्छे प्राइस मिलते थे. इसी वजह से लोगों ने जो बाजरे की क्रॉप्स है या डिफरेंट क्रॉप्स है उनको लगाना बंद कर दिया था. अब क्या करते थे लोग, सिर्फ कॉटन और वीट की ही क्रॉप्स लगाया करते थे. Got better price in the market. So most farmers begin to grow only these. इसी वजह से बहुत सारे farmers सिर्फ इन्हीं crops को अपने land में, अपने field में लगाते थे. Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. इसी वजह से धीरे धीरे जो हम लोग friends से बाजरा ज्वार जो इनकी खेती होती थी vegetables की, ये धीरे धीरे dismissed होते गए, धीरे धीरे कम होते गए और लोग हमें भूलते गए. इवन फ्रॉम दामजीज भाई फील्ड, इवन दामजी भाई के फील्ड में भी ऐसा हुआ. फार्मर्स इवन बिगिन टू बाय शीट्स फ्रॉम द मार्केट. इवन लोग जो है शीट्स को वहां से खरीद के लेकर आते थे मार्केट से. ओके, पीपल सेड दे, नाउ पीपल सेड दे वर न्यू काइंड ऑफ शीट्स, सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर शीट्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप. और इस वजह से अब जो लोग हैं वो शीट्स को कैप करके भी नहीं रखते, जो पुरानी ओल्ड क्रॉप्स है उनको कैप करके भी नहीं रखते. इवन वो लोग मार्केट से न्यू शीट्स ले लेते हैं. नाउ पीपल इन द विलेज कुक एंड ईट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज. अब जो है लोग सिर्फ कुछ जब स्पेशल डेज होते हैं सिर्फ उन्हीं दिनों पे साथ में खाते हैं, बनाते हैं. एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट फ्रेश फ्रॉम द फील्ड. और वो लोग उस टाइम पे याद करते हैं कि पहले से लोग जो है पहले से हम कितना अच्छा फूड बनाते थे, क्ले पॉट में उंधिया बनाते थे, सब साथ में खाते थे और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं. When the sheets have changed, how could food even ever taste the same? अगर शीट्स ही चेंज हो जाएंगे तो कैसे वो फूड जो वैसे ही टेस्ट उसमें, क्या टेस्ट में चेंजेस नहीं आएंगे? होता है ना, अगर शीट्स ही चेंज कर देंगे तो उसकी जो उससे जो फूड बनेगा वो कैसे टेस्टी होंगे, फिर वो भी तो वैसे ही होंगे. दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड. दामजी भाई अब बूढ़े हो चुके थे. हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली. जो उनका सन था, उनका बेटा था हसमुख, वो फील्ड को भी देखता था, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करता था. हसमुख वॉज मेकिंग अप लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द फार्मिंग. हसमुख ने बहुत सारे पैसे कमाए थे फार्मिंग से. ही रिब्यूल्ड द ओल्ड हाउस, और उसने अपने ओल्ड हाउस को भी रिब्यूल्ड करवा दिया था. ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, और मशीन्स लेकर आए थे फार्मिंग के लिए. ही यूज टू इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर. ही ब्रॉट मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी इजिली एंड ऑल्सो ट्रैक्टर टू प्लग द फील्ड. और खेत को जोतने के लिए, फील्ड को प्लग करने के लिए जो है ट्रैक्टर लेकर आया था, मोटरसाइकिल लेकर आया था ताकि इजिली सिटी में जाके कोई चीज लेकर आ सके. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर्स लगवा दिए थे वाटर पंप करने के लिए. द ट्रैक्टर कुड डू इन द डे दैट द बुल्लॉक्स वुड टेक मेनी डेज टू डू. जितना टाइम बुल्लॉक्स लेते थे एक काम को करने के लिए, ट्रैक्टर एक ही दिन में उस पूरे काम को कर देता था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली. अब हसमुख कहता है कि अब धीरे धीरे फार्मिंग हम भी छोड़ देंगे. वी ग्रो ओनली दैट
ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट गुड प्राइस. हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लगाएंगे जो हम मार्केट में गुड प्राइस पे बेच सकें. विद प्रॉफिट फ्रॉम अवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस. और उसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, और हमें जो भी प्रॉफिट होगा उससे अपने अपने फील्ड से जो भी होगा उससे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा पैसे कमाएंगे. लेइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, इवन वो लोग जो वुडन बॉक्स होता था उसको भी भूल गए थे. आई एंड अदर शीट्स हैड अवर डाउट्स, मैं और मेरे ही जैसे कुछ शीट्स को कुछ डाउट्स भी थे. इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, अगर सब प्रोग्रेस करेंगे. There is no longer any sheet for sheets like us as an animal like the bulldogs. तो सब अगर प्रोग्रेस करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे सब दूसरी तरफ जाएंगे, नई नई चीज़ों को लेकर आएंगे, तो हमारा क्या होगा, हम जैसे शीट्स का या बुल्लॉक्स जैसे एनिमल्स का, बुल्लॉक्स में जो बुल होते हैं तो उन एनिमल्स का क्या होगा. आफ्टर द ट्रैक्टर हैज कम इवन पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, ट्रैक्टर के आने के बाद भी लोग जो है फील्ड में वर्क करते हैं. आर नो लॉन्गर नीडेड, हाउ विल दे अर्न मनी, अगर धीरे धीरे ये लोग भी कम हो गए और जब पूरा काम जो है मशीन से कर देंगे तो इन लोगों का भी कुछ काम नहीं होगा, तो ये लोग कहाँ से पैसे कमाएंगे, कहाँ से इनके पास मनी आएगा, व्हाट विल दे लीव ऑन, कैसे ये लोग रहेंगे. सस्टेन टुडे वी विल डू ओनली दैट मच. ओके, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टेल इन माय नेक्स्ट वीडियो. मोर एंड मोर एक्सपेंस दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर.